नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। ट्रैफिक रूल के उल्लंघन को लेकर जुर्माने के नए कानून पर आए दिन बवाल खड़ा हो रहा है। बक्सर में एक दिन पहले नए ट्रैफिक कानून के तहत 11,000 रुपए का जुर्माना भरने वाले नागरिक ने जब पुलिस कर्मी को कानून की याद दिलाई तो उसकी शामत आ गई। गुस्साया पुलिस कर्मी उसे घसीटते हुए थाने ले गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर हड़कंप मच गया। जांच के बाद एसपी ने पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया। शिक्षक कॉलोनी के कमल कुमार सिंह एक दिन पहले वाहन चेकिंग में पकड़े गए थे और हेलमेट नहीं पहनने तथा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर उनसे 11,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया था। शनिवार को वे आईटीआई फील्ड के समीप खड़े थे। एक दिन पहले उन्हें जांच में पकड़ने वाले नगर थाना के दरोगा रोशन कुमार को वहां से बिना हेलमेट के गुजर रहे थे। कमल ने उनसे हेलमेट नहीं पहनने का कारण पूछा। इससे दरोगा जी भड़क गए और गुंडई दिखाते हुए उसे खींचते हुए थाने ले गए। शनिवार को ही क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस पब्लिक सहयोग की भावना रखने के साथ ही यातायात नियमों का सख्ती से खुद भी पालन करने का पाठ पढ़ाया था। बताया जाता है कि पुलिस आईटीआई के पास वाहन जांच करने में लगी हुई थी। इसी बीच शिक्षक कॉलोनी निवासी कमल कुमार ने उन्हें पकड़ने वाले दरोगा रोशन कुमार को बगैर हेलमेट बाइक चलाते हुए देखा तो अचानक रोक लिया और पूछ बैठे कि कल तो आपने मुझे बगैर हेलमेट चलने पर 11,000 रुपए का जुर्माना कर दिया था, जबकि आप खुद ही नियमों का उल्लंघन करते हुए बगैर हेलमेट के चल रहे हैं। युवक द्वारा पुलिस को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाना बेहद नगवारा गुजारना और बाइक से नीचे उतर युवक से उलझ गई। दोनों के बीच बकबई होते हुए नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान युवक को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और घसीटते हुए जबरदस्ती उसे पुलिस वाहन में बिठाकर थाने ले गए। लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वीडियो में पुलिसकर्मी युवक को घसीटते हुए दिख रहा है। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि दरोगा ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच चल रही है। बाद में छानबीन के बाद एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने दरोगा रोशन कुमार को निलंबित कर दिया। अमित जोगी जी का बीपी 180 से 100 मतलब इतना हाई है, उसके बाद भी यहाँ एम्बुलेंस के नाम से इनको 2 घंटे तक के हॉस्पिटल में बिठा के रखा गया था सिर्फ एम्बुलेंस के नाम से। ये क्या सुविधा है जब डॉक्टर सीधा रिफर कर दिए हैं कि यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता, जहाँ जाना चाहे न्यायालय अगर बोल दिया है कि जहाँ इलाज कराना चाहते हैं इलाज करा लें बोल के हाई बीपी वाले को यहाँ पे 2 घंटे से बिठा के रखे हैं। ये क्या सुविधा है, क्या प्रशासन है, यहाँ 2 घंटे बाद ले बहुत मुश्किल से एम्बुलेंस आया है और उसके बाद बिलासपुर रिफर कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।